सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? होप सो आप मजे में होंगे। सो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं क्राफ्टिंग बिल्डिंग। और गाइस, आज हम लोग वापस से एक बार और ट्राई करने वाले हैं कि जो माइनक्राफ्ट के जो वायरल यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि टेक्नो गेमर होगा, मिथपैट, ट्रिगर्ड इंसान, ये सबको हम लोग सी ट्राई करने वाले हैं। गाइस, एक बार और मैंने ये वीडियो बना रखा था, लेकिन उसमें मैंने क्राफ्टिंग बिल्डिंग के फेमस यूट्यूबर का नाम लिख के सीड बनाया था। और गाइस, उस वीडियो पर यार बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स आया था, तो यार मैंने सोचा चलो इस बार माइनक्राफ्ट वाले यूट्यूबर्स का हम लोग नेम का सीड बनाते हैं। और गाइस, देखते हैं कैसा सीड हम लोग को मिलता है और कितना ज़्यादा अमेजिंग अमेजिंग सीड हम लोग को मिलता है। सो गाइस, चैनल पर नए हो तो यार जरूर सब्सक्राइब कर दो, हम लोग 27 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस, आपका इनमें से जो भी फेवरेट यूट्यूबर्स होंगे उनका नाम लिख के नीचे कमेंट कर देना, जिसका भी सबसे ज्यादा नाम से कमेंट होगा उसको मैं शाउट आउट दे दूंगा। तो तो गाइस यार चलो हम लोग सबसे पहले अपने फेवरेट यूट्यूबर और सबसे फेमस यूट्यूबर का नाम का सीड बनाते हैं। गाइस, आप लोगों ने गेस कर ही लिया हुआ, तो गाइस हाँ, मेरा भी फेवरेट यूट्यूबर टेक्नो गेमर्स है, तो गाइस उन्हीं का नाम का हम लोग सीड बनाते हैं। और गाइस, देखते हैं कि इनके नाम का सीड हम लोगों को कैसा मिलता है, मतलब रेयर सीड मिलता है या गाइस नॉर्मल या एकदम बकवास सीड मिलता है। तो गाइस, मैंने वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है। तो गाइस यार, हम लोग जस्ट यहाँ पे आइस बायोम के जस्ट बगल में स्पॉन हुए हैं। और गाइस, यहाँ पे दो बायोम एक ही साथ अटैच है, तो गाइस बहुत ज्यादा अच्छा बात है। और गाइस, इस वाले सीड में यार माउंटेन्स बहुत ज्यादा है, आइस बायोम में आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल बायोम दिख रहा है। तो गाइस, हम लोग और भी चीज देखते हैं इसमें और कुछ मिलता है कि नहीं। तो गाइस, यहाँ पर आइस बायोम में तो मैंने सोचा चलो हम लोग आइस विलेज खोजते हैं। तो गाइस, आज तक यार मेरे को मिला ही नहीं है, मैं इतने टाइम से क्राफ्टिंग बिल्डिंग माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ लेकिन आज तक मेरे को कभी नहीं मिला आइस विलेज। तो गाइस, देखते हैं आज मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। तो गाइस, मैंने बहुत ज्यादा खोजा लेकिन इस वाले सीड में था ही नहीं आइस विलेज। तो गाइस, थोड़ा सा आगे आने के बाद मेरे को ये वाला बायोम मिल जाता है। और गाइस, ये बायोम यार बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है, पूरा कलरफुल बायोम है ये। और गाइस, शायद इसमें ऑरेंज विलेज भी रहता है, मेरे को अच्छा से पता नहीं लेकिन शायद अगर रहता है तो यार मैं खोजता हूँ वो भी, अगर वो भी मिल जाएगा तो यार ये सीड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बाकी तो यार इस वाले सीड में बस माउंटेन ही माउंटेन है, माउंटेन के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है मेरे को यहाँ पे। तो गाइज़ यार, ऑरेंज विलेज भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो गाइज़ छोड़ो, इस वाले सीड में बस हम लोग को माउंटेन्स मिला, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सीड की तरफ। तो गाइज़ यार, अब हम लोग क्रिएट करने वाले हैं मिथपैट के नाम से। तो गाइज़ आप लोग मिथपैट को तो जानते ही होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस यूट्यूबर है। और गाइज़ ये माइनक्राफ्ट ही नहीं बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, और गाइज़ माइनक्राफ्ट का सीरीज इनका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कॉमेडी करते हैं बहुत ज़्यादा ही अच्छा, बच्चों को यार बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ये। तो गाइज़ इनके बारे में आपको पता ही होगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइज़ इनके सीड में यार मेरे को फर्स्ट में यहाँ पे केव मिल गया, तो गाइज़ बहुत ज़्यादा अच्छा बात है यार, हम लोग को माइनिंग में यार जरा से भी दिक्कत नहीं होने वाली ये सीड। यार अगर आपको केव मिल जा रहा तो आपको तो कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, माइनिंग कर करके आप लोग बहुत सारा चीज़ ले सकते हो। और गाइज़ इसमें लिटरली यार बहुत ज़्यादा ही केव है, मैं जहाँ ही देख रहा हूँ वहीं पर मेरे को केव दिख रहा है। तो गाइज़ देखता हूँ कि मैं कहाँ पर स्पॉन हुआ हूँ, मेरे को तो लग रहा है यार कि मैं एक छोटा सा आइलैंड पर स्पॉन हुआ हूँ, इसके अगल बगल तो पूरा चारों तरफ वाटर ही वाटर दिख रहा है। तो गाइज़ जस्ट इसके बगल में एक स्नोई बायोम है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो गाइज़ इस वाले सीड में हम लोग खोजते हैं कि शायद यार स्नो विलेज मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और गाइज़ थोड़ा सा आगे जाने के बाद मेरे को यहाँ पे स्नो विलेज मिल गया, आप लोग देख सकते हो यार, और मेरे को पहली बार स्नो विलेज मिला, इससे पहले मेरे को कभी मिला ही नहीं है, मैंने बस वीडियोज़ वगैरह में देखा है लेकिन असलियत में खेलते हुए मेरे को कभी नहीं मिला था। तो गाइज़ इसके घर में जाकर देखते हैं कैसा रहता है। तो गाइज़ यार घर वगैरह तो यार बहुत ज़्यादा अच्छा है, और गाइज़ इसमें इग्लू भी रहता है, इग्लू तो यार मैंने सच में पहली बार देखा, और इग्लू के अंदर यहाँ पर एक विलेजर था, ट्रेड का ऑप्शन था लेकिन मेरे को ट्रेड वगैरह नहीं करना था। तो गाइज यार ये था स्नो विलेज, और गाइज ये था मिथपैट के नाम का सीड, आप लोग ये वाला सीड ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा सीड है। और गाइज यहाँ पर भी केव, गाइज यार इसमें लिटरली बहुत सारा केव है, और गाइज स्नो विलेज भी मिल गया तो बहुत ही अच्छा बात हो गया। तो गाइज यार मैं थर्ड सीड क्रिएट करने वाला हूँ गेमर फ्लिट के नाम से। तो गाइज ये भी बहुत ज्यादा फेमस माइनक्राफ्ट के यूट्यूबर है, और गाइज ये बस माइनक्राफ्ट ही खेलते हैं, और गाइज बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो गाइज यार मैं इनके सीड में आ चुका हूँ, और गाइज यार ये मैं तो यार पूरा प्लेन जगह पे स्पॉन हो गया। तो गाइज अब तो मेरे को कुछ उम्मीद ही नहीं लग रहा है कि इस वाले सीड में कुछ मिलने वाला है, बस यार माउंटेन्स केव यही सब तो है और प्लेन पूरा जगह है, और कुछ तो मेरे को यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, रवीन वगैरह शायद हो सकता है इसमें। तो गाइज थोड़ा ही सा आगे आने के बाद मेरे को ये वाला पोर्टल मिल गया। तो गाइज चलो एक चीज तो यार अच्छा मिला, इसका चेस्ट में लोग देख लेते हैं कुछ अच्छा चीज है कि नहीं है। गाइज कुछ ना कुछ तो यार रहता ही है, और गाइज यहाँ पर जब हम लोग को ये मिल गया तो हम लोग अब नेदर पोर्टल में भी जा सकते हैं इसको पूरा बना के। तो गाइज यार बहुत ज्यादा अच्छा है, चलो एक चीज मिला। तो गाइज चलो हम लोग चलते हैं अपने लास्ट सीड के तरफ। तो गाइज अब हम लोग फोर्थ एंड लास्ट सीड क्रिएट करने वाले हैं ट्रिगर इंसान के नाम पे। तो गाइज ये यार बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा फेमस यूट्यूबर है, बच्चों को यार बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ये कॉमेडी वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं। तो गाइज मेरे को भी ये यूट्यूबर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइज इनके वर्ल्ड में मैं आ चुका हूँ, और गाइज जस्ट बगल में मेरे को यहाँ पे बीच वाला बायोम मिल गया। तो गाइज बीच शॉट खोजते हैं, और तो यार इस वाले वर्ल्ड में मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कुछ मिलेगा भी, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा केव्स वगैरह हैं और माउंटेन्स वगैरह हैं, और गाइज जस्ट इसके बगल में एक और बीच बायोम है। तो गाइज दो दो बीच बायोम एक ही जगह है। तो गाइज बीच शॉट तो मिला नहीं, लेकिन यार और कुछ भी इसमें नहीं मिला।
तो गाइस ये भी एक नॉर्मल वर्ल्ड ही है। तो हाँ गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस हम लोग 27K के बहुत ज्यादा क्लोज है तो यार सब्सक्राइब कर देना, और गाइस आपके जो भी फेवरेट यूट्यूबर है उनका नाम लिख के नीचे कमेंट कर देना। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।